नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर और आज हम आपको दिखाने वाले हैं हाइब्रिड फ्यूल सिस्टम के बारे में। और हमारे पास गोल्डन राइडर्स की तरफ से एक बैग आया है, उसको भी खोल के दिखाएंगे। इन दोनों चीज़ों के बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हाइब्रिड फ्यूल सिस्टम में, जो मैंने खुद अपनी गाड़ी के अंदर लगा रखा है। और अब समय आ चुका है रिजल्ट कि ये वाकई में काम करता है या नहीं करता है। और मैंने इसको चला दिया है 2000 किलोमीटर जब से मैंने अपनी गाड़ी में हाइब्रिड फ्यूल सिस्टम लगाया है। उसके बाद इसको कम से कम 2000 किलोमीटर चल चुकी है और रिजल्ट अभी आपको बताते हैं इसका रिजल्ट। तो अगर आपने ये कैसे काम करता है इस चीज़ के बारे में अगर आपको नहीं पता, तो सिंपल और शॉर्ट भाषा में बता देता हूँ। इसके अंदर हमारा एसिड पड़ता है, डिस्टिल वाटर, और कुछ गोलियाँ पड़ती हैं जिससे वो फिल्टर होकर इसके अंदर आता है। और इसके अंदर बर्न होता है, बोले तो करंट दे रखा है हमने, ठीक है, और वो बर्न होकर वॉइल होता है। वॉइल होने के बाद यहाँ जाके फिल्टर होकर हमारे कार्बोरेटर के अंदर जाएगा यहाँ पे। पर ये बिल्कुल बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ दिखाने की चीज़ें। तो इसको मैं निकाल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए तो ये किसी काम का नहीं है। और अगर आप भी ऐसे चूतिया पर ना पड़ें तो आप ना ही लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं इसको निकाल रहा हूँ। पहले इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं, फिर आगे बात करेंगे इसकी। तो जिन्होंने इसको बनाया उनका कहना यह है कि इसे डालने के बाद आपकी गाड़ी में 30-80% एवरेज की बचत होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये एक मतलब पेट्रोल एवरेज बढ़ाने के लिए था, पर ये बिल्कुल बकवास है, किसी काम की चीज़ नहीं है। मार्केट में आपको ठगने के लिए ऐसे हर तरीके से और हर एक चीज़ में मिलेंगे, बस आपको अपना दिमाग लगाना है किस में ठगना है किस में नहीं ठगना है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे, हमारे पास गोल्डन राइडर्स की तरफ से आया है एक बैग, वो दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बैग है, बैग को खोल के दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको एक ब्रांडिंग दिख जाएगी गोल्डन राइडर्स की तरफ से, और इसको अपनी गाड़ी में कैसे लगाएंगे, उल्टा करके लगाइए क्योंकि जो पीछे रिबन दे रखे हैं वो देखे हैं रिफ्लेक्टर के लिए। अब मैं आपको ज़रा गाड़ी को सीधा करके दिखाता हूँ ये कैसे अच्छे लगते हैं आपको। तो बैग कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे पीछे। और दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर बैठ इसे लगाने के बाद क्या राइडर्स जो पीछे हमारा पैनल है इसको बैठने में कहीं दिक्कत होगी, तो एक बार एक बंदे को बिठाते हैं और दिखाते हैं। बैठिए, तो देखिए पीछे वाले जो राइडर है इसको बैठने में बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और इसके अंदर हम पीछे अपने जार भी कैरी कर सकते हैं, अगर हमारे पास बोतल है, जार है पेट्रोल के लिए, तो हमारे पास यहाँ पर बैग दे रखे हैं, इसके अंदर हम अपनी छोटी छोटी बोतल रख सकते हैं। और ये हमारी रिफ्लेक्ट होता है, ये जो पत्ती दिख रही है इसकी, ये रिफ्लेक्ट होगा रात को लाइट पड़ने में। इसके बाद दिखाते हैं इसके अंदर का मटेरियल, इसके अंदर क्या चीज़ है और क्या ये सेफ़ है बारिश में, बारिश के टाइम पर अगर रेनिंग टाइम चल रहा है उस टाइम ये सेफ़ है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए इसके ऊपर से एक एक्स्ट्रा कवर दे रखा है, ठीक है, इसको खोला। इसके बाद इसके अंदर चैन दे रखी है और अंदर का पार्ट देख सकते हैं, ये हमारा इसको सीधा करने के लिए है। लगाओ इसको एक बार और ये हमारा पूरा बैग बन के तैयार है। देखिए और कितना स्पेस है इसके अंदर, आप देख सकते हैं इसके अंदर हम काफ़ी सामान रख सकते हैं। इसके बाद इसको पूरा जब फिट कर देते हैं, अभी बात करते हैं कि क्या हम इसको बाहर से भी सेव कर सकते हैं। अब हम दिखाएंगे इसको बाहर से कैसे सेव करेंगे। अब रेनकोट को बाहर निकालते हैं, इसके अंदर दोनों के लिए रेनकोट है। एक बार जल्दी से इंस्टॉल कर देते हैं इसको कुछ इस तरह, इस तरीके से करवाएं आपको, और इसे दोनों साइड से ऐसे करवा दें। और अब ये हो चुका है वाटर प्रूफ, मैं एक बार इधर से दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप
और काफ़ी अच्छा गोल्डन राइडर्स का एक लोगो दिखता है, और ये कलर जो इसलिए दे रखा है कि दूर से रिफ्लेक्ट हो सके, और ऊपर से बैठने के लिए भी बिल्कुल कंफर्ट है। ठीक है, तो आपको काफ़ी अच्छी डील मिलेगी, और मेक श्योर आप अगर इसे ख़रीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। थोड़ा और इसके बारे में बात कर लेते हैं, कितने के आसपास पड़ेगा। देखिए, अगर आप इसमें वाटर कैरी करना चाहते हैं तो सिंपली पहले मैं बता देता हूँ, वाटर कैरी करने के लिए हमारी बोतल बिल्कुल इजी इसके अंदर आ जाएगी बस। और ये अगर आप आगे साइड से रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इधर से यार गिर सकते हो, तो इसे आगे से भी कैरी कर सकते हैं इस तरीके से। काफ़ी अच्छी डील है गोल्डन राइडर्स की तरफ से, थैंक यू फॉर दिस शिपमेंट। इसमें है 1999 रुपये। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो जल्दी ही काफ़ी अच्छी आने वाली है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।